सब्सक्राइब करिए विदिश कुकिंग को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिश कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी ऐसे ब्रेड चिल्ले की रेसिपी। ये मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना करके खाइए या फ्री टाइम स्नैक में बना करके खाइए या कभी भी जब चाहे जब छोटी मोटी सी भूख लगती है तब आप इसको बना करके खाइए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और इसे मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, एक सिंपल तरीका और एक चीज़ स्टफ़ करके बनाएंगे तो बच्चों को तो पसंद आना ही है और चीज़ के साथ में इसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है। बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी और आप जो स्ट्रीट फूड में जैसे मिलता है बिल्कुल उसी तरह से हम बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल बाजार जैसा आप बना सकते हैं घर पे। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप इसको पिकनिक में कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता ही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। आपको जितने चिल्ले बनाने हैं आप उसके हिसाब से बेसन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम बेसन में डाले हैं बारीक चॉप की हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा था। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। अगर आपको गार्लिक पसंद है तो आप उसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक चॉप किया हरा धनिया। हरा धनिया ज़रूर से डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा सा लुक भी देता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है तो वो मैं डाल देती हूँ। और अब हम इसमें करेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ नमक, और नमक डालने के बाद में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। थोड़ी सी ही डालिए पर हींग ज़रूर से डालिए, उसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर। हमने हरी मिर्च डाली हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग लाल मिर्च का पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। बैटर बहुत ही हमें चटपटा बनाना है ताकि हमारा जो ब्रेड के साथ में इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक ब्लैंक टेस्ट नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आएगा। इसीलिए जो भी मसाले हम बेसन में डाल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से एनहांस होकर आएगा। और अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक मीडियम थिक बैटर रेडी करूँगी। बेसन का जब भी हम बैटर बनाते हैं तब एक साथ में पानी नहीं डाल के थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करें ताकि जो बेसन है उसमें लम्स ना पड़े। अगर आप एक साथ में पानी डाल देंगे तो बेसन में लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं। और हो सके तो एक ही डायरेक्शन में आप घुमाइए उसको तो और भी अच्छे से स्मूथ बैटर बनकर आता है। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसका एक स्मूथ बैटर बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे तो वो ब्रेड पर स्टिक होगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो ब्रेड जब हम उसमें डिप करेंगे तो ब्रेड टूटने के चांसेस रहेंगे। इसलिए हमें इसको एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बनाना है। ये देखिए मैंने पानी डाल के इस बैटर को रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा बैटर हमारा रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पर एक तवे को मैं हल्का सा ऑयल लगा करके ग्रीस कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पर इसको प्री हीट कर लेते हैं। और अब जो हमने बैटर रेडी किया था आप देख सकते हैं हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसमें मैं ले रही हूँ ब्रेड, आप चाहें तो ब्रेड के एजेस कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एज इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। इसको इस तरह से पूरा डिप कर लेंगे दोनों तरफ से और फिर बाद में डायरेक्टली हम जो तवा प्री हीट करके रखा था उस पर रख देंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही कम ऑयल में ये बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। और यहाँ पे और उसका अच्छा सा लुक देने के लिए मैं इस पर लगा रही हूँ धनिया। अगर आपको और तीखा पसंद है तो आप इसी टाइम पे थोड़ी सी बारीक चॉप की हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो और भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम, ओनियन, कैरेट्स, जो भी है आप इसमें बैटर में डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी जब तक ये हल्का सा गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है। और ये देखिए साइड से उसकी हल्की सी गोल्डन होने लगी तो मैं इसको पलट दूँगी और दूसरी तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे। थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे
और दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। आप हल्के हल्के से इसको प्रेस भी कर सकते हैं और पलट पलट के इसको दोनों तरफ से हम इसे सेक लेना है ताकि जो बेसन है वो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से कुक होने लग गया है। और ये देखिए, हमारी दोनों तरफ से ब्रेड बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेड को इस तरह से निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं डायरेक्टली, पर यहाँ पे मैं आपको चीज़ वाला सैंडविच वाला भी बना रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे फिर से मैंने एक ब्रेड को डिप करके तवे पे रख लिया है। उसको मैं फिर से दोनों तरफ से कुक कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल और ऊपर से धनिया लगा करके। और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल में लगा देती हूँ, थोड़ा सा धनिया, और इसको भी मैं कुक कर लूँगी। यहाँ पे जो सैंडविच बना रहे हैं उसके लिए मैं दूसरी ब्रेड रेडी कर रही हूँ। और ये देखिए, एक तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है। और इस ब्रेड को मैंने अच्छे से सेक लेने के बाद में जब हम पलटते हैं तब हम उस पर ग्रेट करेंगे चीज़। आप चाहें तो चीज़ स्लाइस जो आती है वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल प्रोसेस्ड चीज़ जो आता है वो यूज़ कर रही हूँ। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी और इसका टेस्ट और अच्छे से आए उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पीरी पीरी मसाला, जो बहुत ही आसानी से आजकल हर एक जगह पे मिल जाता है, पर उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एकदम चटपटा सा टेस्ट होता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ पीरी पीरी मसाला और उसके ऊपर जो हमने पहले जो एक ब्रेड सेक कर रखी थी वो रख दूँगी। और इसको हल्का सा प्रेस करते हुए दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो तैयार है हमारी चीज़ वाली सैंडविच के चिल्ले। ये आप ज़रूर से बच्चों को दीजिए, चीज़ की वजह से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा एनहांस हो जाता है। तो तैयार है हमारा ब्रेड चिल्ले। ये देखिए, ये जो सिंगल हमने बनाया था वो, और जो सैंडविच चीज़ वाला बनाया है वो। आप चीज़ वाले सैंडविच वाला ज़रूर से बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट फूड में मिलता है उस तरह का बनता है ये। तो इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कट करने के बाद में आप उसमें बीच में से देख सकेंगे बहुत ही अच्छे से चीज़ी टेक्सचर आता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है। चीज़ है, पीरी पीरी मसाला है, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ब्रेड के चिल्ले हैं तो बहुत ही टेस्टी तो लगते ही हैं और घर में बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में, लंच बॉक्स में, हस्बैंड को लंच बॉक्स में देख सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में, टी टाइम स्नैक हो गया, कोई अगर गेस्ट घर पे आ गए और अगर आपके पास ब्रेड रखे हुए हैं तो झटपट से ये बहुत ही आसान तरीके से आप नाश्ता बना सकते हैं। और इसे मैंने सर्व किया है हरी चटनी और टमाटर केचप के साथ। आप चाहें तो लहसुन की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।